It's time to fix you, my friend. Let's go. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा गेट पर खोल लें। कोई नहीं, ठीक होने की बारी आ गई है। चार दिन गुजर चुके हैं, इधर ही खड़ी है बेचारी। खैर कोई नहीं, सुनिए इसकी अब। लेट्स गो एंड लेट्स गेट दिस फिक्स्ड इंशाल्लाह। सहेल भाई से कहना है जो मर्ज़ी करके ना इसको ठीक करके दें भाई। ओए होए होए, डेंट टाइम तो डेंट और भी बुरा। खैर इसको ठीक करके दें भाई। ये दरवाज़ा मैं खोल खोल के थक गया हूँ अंदर से। ये वाले भाई ब्लॉक में मेरा चक्कर है। सेंटर लॉकिंग के थोड़े से मसले मसाइल आए अभी हमारी गाड़ी में। चलो जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक खैर खैरियत से बहुत मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की सुबह एक और खुशी एक बड़ी जीप सी मिली है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, देख रहा था कि गाड़ी की काफ़ी आवाज़ है, लेकिन गाड़ी के अंदर माशाल्लाह गाड़ी की आवाज़ नहीं आती। तो ये एक बड़ी गुड चीज़ है। पहली दफ़ा आपको पता चला जर्मन टॉय के साउंड प्रूफिंग और जर्मन गाड़ी की ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से भाई आपका सुबह सुबह खुश हो गया। देख लें फिर, छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत खुश कर देती है मुझे। सादा सा आदमी हूँ भाई, गजब टूबीवाज आदमी। आज का दिन है जी नुकसान को डेडिकेटेड। चार दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, आज फाइनली हिम्मत करके सोच ली है कि आज गाड़ी ठीक कराएंगे और आगे जो काम है उनको फटाफट निपटाएंगे इंशाल्लाह लजीम। चलते हैं फिलहाल डायमंड ट्यून पे जाके वली भाई को भी बैड न्यूज़ देते हैं। खबर भाई को मैं फ़ोन पे बता चुका था कैसे कैसे हो गया। खैर कोई नहीं जी, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। गाड़ी हमारी गर्म हो चुकी है, लेट्स गो। स्टेयरिंग के छोटे मोटे काम है, ये दो चार ट्रिमें उतर गई थी, इनको सही तरह करके लगाना है। उसके अलावा ये हमने उस दिन खोल लिया था दोबारा ट्रिप्टॉनिक के लिए, तो इसकी सिलिकॉन इज नो मोर विद अस, तो ये हमें दोबारा ठीक करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह जी लेट्स गो। इन भाई को ना फिलहाल इधर अड़ाया हुआ है इसके लॉक के अंदर, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से झटका या थोड़ा सा शायद अभी स्पीड पकड़े तो ये भाई फिर से गिर जाएगा, क्योंकि साइड मिरर के नीचे सिल्वर की फिटिंग है इसकी अपनी, जो इसके अंदर फिक्स होता है। ये इधर से नहीं खुलता, इसका पूरा ये नीचे वाला सिस्टम सारा खुलता है। ये कवर खुलता है, इसके अंदर से पेज खुलते हैं, ये पूरा अलहदा होता है। तो वो खैर अलहदा तो नहीं हुआ, वो टूट ही गया हमारा। खैर कोई नहीं, अल्लाह के हवाले जी, क्या कह सकते हैं अब जो होना था वो हो चुका हुआ है। नीचे चलेंगे। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया था, जिसमें गाड़ी हमारी साफ सूफ होके क्लीन होके पंप खड़ी हुई थी, कि हमारे ट्रिप टॉनिक भाई चल पड़े हैं। अभी ये टाइम नहीं है, ट्रैफिक का टाइम है, ज्यादा गाड़ी इधर हम तेज नहीं चला सकते। बहरहाल ट्रिप टॉनिक जो चेस करवा रहा है, ओए ओए ओए, एंड जब कट चलाता ना तब तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, V8 का रोर, और फिर जब इसके कट ऑफ चलते हैं सुभान अल्लाह काम हो जाता है। Back to average life. 1 hour later. आपने direct लगाया, क्या चल रहा? एक ये भाई। बस? ये बाकी, बाकियों का भी कुछ करो ना। Do something. इनको चलाओ, इनके अंदर LED लगा दो पावे। इसी के साथ हम time and tune पे आज़री लगवा चुके हैं। खबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा काशिप भैया अपना काम करें प्लीज। इधर ना देखे सुहेल भाई या फिर शिलाज भाई, इधर बहुत सख्त अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो फेंडर है उसने डेंटिंग होना ही होना है और वो बहुत ज़ालम है। दरवाजे पे अभी हमने एक बार फिर गौर व फिक्र किया, लेकिन दरवाज़ा भी हमें पेंट करना ही पड़ेगा, कोई उसका हल नहीं है, क्योंकि दरवाजे में एक अदद आ गया जी डेंट, और वो या तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं
या फिर हम उस छोटे से डेंट के लिए दरवाज़ा दोबारा पेंट कर सकते हैं। आपको मैं कैसे दिखाऊँ, ये यार अली दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करना, वही थोड़ा सा कहा था। ये करके डेंट है नाजरीन, अभी गाड़ी घुमाउंड नहीं हुई हुई इस वजह से बहुत मोटी लेयर है लेकर की पता भी नहीं चल रहा डेंट होगा। खैर ये फेंडर डेंटिंग होना है, दरवाज़ा डेंटिंग होना है, इनकी दोबारा बेस बनानी है। अल्तशाम बॉय जिंदा, आपने इसकी बेस बनानी है, आपको याद है कि नहीं? मैं इसकी डेंटिंग करा रहा हूँ 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स। जी अली भाई क्या फरमा रहे हैं आप? यार आप मुझे ना दिखाएं, आप मुझे इसकी लाइटें चला के दें, चेक कर लेना एक दफा। सर आप मुझे लाइटें चला के दें, चेक हो गया समझे। माशाल्लाह सारी चला के दें। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अली भाई चलाओ यार, इसकी वाली लाइटें चलनी चाहिए यार, ऐसे ना करो प्लीज, मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है यार। ओए भाई लाइटों से याद आया, गाड़ी के अंदर वाली लाइटें तो चली जा रही हैं। अली भाई ये लाइटें साथ साथ बंद करनी है आपने, ठीक है? ओपन प्लीज, नीचे वाला बटन है, नीचे वाला, थैंक यू। वो ये क्या साउंड सिस्टम्स, राज भाई कि किसी ने कहा था अगले चक्कर में याद है कि नहीं? ये फंस गया सी है। देखो ये आ रहा नजर, ये देखो पेट्रोल है, ये पेट्रोल है भाई, पेट्रोल है। कपड़ा पकड़ो, कपड़ा पकड़ो, कपड़ा 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 कपड़ा, सारी टेंशन ही है। हाफिज हमने इधर दोबारा लगानी है, अच्छा ठीक है। उसके अलावा यार मुझे शक पड़ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे शक पड़ रहा है, टेल मारती है ना गाड़ी तो इधर से करके कहीं से ना पेट्रोल लीक हो जाता है। इधर दोबारा लगानी है आगे वाली साइड पे, और इसको भी लगानी है, इस पूरे को, ठीक है? जैसे इस पूरे को लगी हुई है ना, इसको भी लगानी है। तो मेरी बात सुन, अब लगाने का थोड़ा सा तरीका सुन लो, आपने इसको भरना है, लेकिन आपने इधर इस इससे और इसकी छत से एक बेस बनानी है, ठीक है? जैसे ये बंद किया ना इधर से, ताकि नीचे से बाहर ना आए, इस तरह आपने बंद करना है सही तरीके से। पेट्रोल का लीकेज वाला मसला है नाजरीन, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हद तक हल हो गया था, सिलिकॉन के बाद मैजिक पे शिफ्ट हो गए थे, और मैजिक के बाद अब मज़ीद मैजिक पे शिफ्ट होने लगे हैं। मसला ये है कि जब गाड़ी टेल शेल मारती है ऐसे ऐसे जाती है ना, थोड़ा सा पेट्रोल की स्मेल आती है, और इधर हल्की सी एक सेम सी आई थी, गीला सा हो जाता है ये काम, इट्स नॉट गुड, डेंजरस एंड ऑल्सो स्मेल। जी भाई कौन बुला रहा है? जी अली भाई आपको सुनाई दे रहा था, मैं बोल रहा हूँ। जी बताएं आप, मुबारक हो आपको, मुझे भी जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने मुझे इंटरप्ट करके। चलाएं इन सबको, ओके गुड वेरी नाइस। खैर बात हो रही थी, जब गाड़ी ऐसे 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 जाती है तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको सुधारने के लिए अभी मैजिक का इजाद कर लिया, मैजिक निकाल के ज़रा इधर लगा के ओके करते हैं इसको। आज का दिन बहुत अच्छा है, शिराज भाई डेंटिंग करने आ गए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, कह दो ऐसे ही है। काशी भाई गाड़ी की साइड खोल रहे हैं देखने के लिए कि गाड़ी इधर से नीचे क्यों आ गई है भाई, इसको क्या मसला है। और हाफिज साहब हमारे यहाँ पे मैजिक के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैजिक लगाने का प्रोसेस जारी है, मीन वाइल हमें थोड़ी सी और मैजिक भी चाहिए होगी। खैर ना यार ना 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 और ना चपेड़े ना मारी। हाँ जी क्या हुआ, स्लो स्लो या डिम दिखाओ तो सही, ये बंद है ना, चलाओ ठीक है, इतनी होती है इसकी। लगाओ इसको, काशिफ भाई इज ऑन टू समथिंग, कुछ ना कुछ करेंगे। सुहेल भाई माशाल्लाह से स्पॉट वेल्डर मशीन की तरह हाजिर हो चुके हैं, लेट्स गेट सम सीरियस डेंटिंग डन, 0-0 करना है इसको। जा स्टार्ट हुआ अभी, मजीद जुल्म देखना पड़ेगा गाड़ी के साथ, अब जुल्म तो नहीं, खैर दिस इज़ द प्रोसेस जो हमें करना ही पड़ना है, लेकिन ओए ओए जालम।
जीरो हो जाएगी जैसे थी। वालेको बड़ी देर से बड़ी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, थार ही कट गई है। इधर माशाल्लाह शाम को अपना काम शुरू कर चुके हैं और उन्होंने लाइट ऐसे लगाई है जैसे पूरी कोई माइनिंग नहीं हो रही होती, सुरंगों के अंदर कोई शह लपड़ी हो। वो फुल हैवी किस्म की एलईडी लाइट है और यहाँ पे टेंटिंग हमारी हो गई कंप्लीट, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। वो सुहेल भाई ये भूल गए या ये पटीन से कवर हो जाएगा? ये पटीन से कवर हो जाएगा, इतना डेंट ही नहीं है, ये दब है हल्की सी, इसको छेड़ने का फ़ायदा नहीं है, इसको छीलना पड़ेगा, सारे का पेंट सारी खराब होना पड़ेगा, इसीलिए इतने एरिया में हल्की सी पटीन की कवरिंग करके उधर बेस लगा के पेंट लगाएंगे। लैकर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के पेंट्स में ये सीन अब है कि लैकर पूरे पीस पे लगना है वरना वो मैच नहीं होगा, जो हाइपर शिफ्ट जो कलर चेंज होती हैं वो सही तरह नहीं होंगे, ये भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ थी साइड मिरर भी अपना टूटा हुआ, याद ही नहीं है, बड़ा हुआ था बस अंदर इसमें, बड़ा बड़ा प्यारा हुआ, मैं आया हूँ गिरा नहीं, सिलिकॉन लगा दें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू राइड माशाल्लाह। इसका मेक मॉडल वेरिएंट बताएं। 2023 आगे कुछ नहीं पता, आगे नहीं पता। इसका नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। खैर जी वाज भाई की न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो लॉन्च ना मारे इधर बाबा, वो सामने दरख्त में जाएगा। ये मैं पिक करने आ गए हैं। बीएम कितनी? 45 किलोमीटर पर आर। यस वाज इज फास्टेस्ट। बीएम से मिलते हैं जी इंशाल्लाह सुबह, शाम को ही लगा हुआ है, काम शाम जारी है, लेकिन अब कल पे बात चली गई है, मिलते हैं फिर इधर ही सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। डे टू वी आर बैक एट टैमेट्यूर, और ये जो दो बंदे हैं ना इनने मेरे साथ की थी 6 बजे की जुबान, 6 बजे गाड़ी रेडी होगी, क्या होगी 6 बजे गाड़ी इधर रेडी खड़ी होगी, क्या आप इसको ले जाएं, हैं पेंट लगाना करना करना किसी चीज़ की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 6 बजे गाड़ी रेडी होने की बात हुई है। वक्त होता ज़्यादा जी 4:10 ज़्यादा, और ये फेंडर की भी मंजाइयाँ कर रहे हैं, इन्होंने भी बेस नहीं लगाई इसके ऊपर, दरवाजे की भी मंजाइयाँ होती है, इस पर बेस लग रही है, इस पर बेस लग रही है, सूखनी है, दरवाजे के अंदर पेंट रह गया था एक पे, इस पर भी बेस नहीं लगी। खैर जी देखते हैं, वक्त कम मुकाबला सख्त, 6 बजे तक अगर ये मेरा नहीं ख्याल कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो थोड़ा लेट हो जाएगा भाई, लेकिन आज के आज करना है यार, कल पे ना डाल देना, कल पे ना डाल देना, टेंशन ना ले बस। अभी सो के उठ के आए जी भाई? बस भाई आपने थक भी जाना जी भाई, छोटी छोटी कैपेसिटी है मेरी, 4 महीने नहीं ना थका इसीलिए जल्दी थक जाता हूँ।